हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 5 मोबाइल्स की और देखेंगे उसकी प्राइस, उसकी लॉन्च डेट, उसकी फुल इंस्पेक्शन। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरे मोबाइल बेस्ट हैं। पे आता है शॉमी मी ए फोर। बात करें इसकी स्पेक्शन की तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q है, 4GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 712 है, डिस्प्ले इसमें 6.53 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका IPS LCD है। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 48+8+2+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 64GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 256GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4050 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 11,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 11,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं शॉमी इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 20 फरवरी 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 2 पे आता है सैमसंग गैलेक्सी M51। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q है, 6GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 730 है, डिस्प्ले इसमें 6.3 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका सुपर एमुलेट है और फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें ऑन स्क्रीन है। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 48+8+5 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 512GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 20,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 20,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं सैमसंग इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 19 फरवरी 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 3 पे आता है वावे Y9S। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V9 पाई है, 6GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें सिलिकॉन का क्रीन 710F है, डिस्प्ले इसमें 6.59 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका TFT है और फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें साइड में है। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 48+8+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 512GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 15,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 15,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं वावे इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 15 फरवरी 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 4 पे आता है मोटोरोला वन जूम। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V9 पाई है, 4GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 675 है, डिस्प्ले इसमें 6.4 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका OLED है और फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें ऑन स्क्रीन है। बात करें कैमरा की तो इसमें 4 रियर कैमरा है 48+16+8+5 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 25 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 1TB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 25,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 25,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं मोटोरोला इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 16 फरवरी 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 5 पे आता है होना 20 यूथ एडिशन। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें एंड्रॉइड का V9 पाई है, 4GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें सिलिकॉन का क्रीन 710F है, डिस्प्ले इसमें 6.3 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका एमोलेड है और फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें ऑन स्क्रीन है। बात करें कैमरा की तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है 48+8+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 64GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 256GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 14,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 14,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं ओनर इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 5 फरवरी 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट योर टाइम।